अस्सलामुअलैकुम, पैगाम टीवी के साथ मैं हूं तहसीन। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कर्नाटक के हुबली वाकया पुणे बेंगलोर हाईवे पर एक बस में अचानक आग लग गई। आग की वजह से बस में सवार कुल 15 लोग बुरी तरह झुलस गए। मकामी लोगों की इत्तला पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी ही मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। इस बार मानसून सेशन हंगामे और तनाजात में भरा हुआ है। वहीं बुध की रोज भी सेशन की कार्रवाई हंगामे से शुरू हुई। राज्यसभा में मायावती ने दयाशंकर सिंह और मंदसौर में गौ हिफाजत के नाम पर औरतों की पिटाई का मुद्दा उठाया, इस पर जमकर बवाल शुरू हो गया। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन नवंबर में होने वाले सदारती के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी जीत ली है। इसी के साथ हिलेरी अमेरिका में किसी अहम सियासी जमात की तरफ से सदारती इंतखाबात की उम्मीदवारी हासिल करने वाली पहली औरत बन गई है। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के साबिक सदारती बिल क्लिंटन की बीवी है। जिला रवैये कोर्ट के CJM चंद्रमोहन झा की अदालत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जैदी के खिलाफ दायर लिबल में मंगल को वादी का बयान कलमबंद किया गया। दर्ज लिबल के में उनके अलावा डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी समेत दीगर को नामजद किया गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर भारी अक्सरियत की इत्तला दी गई है। लगातार बारिश से गंडक नदी बोम पर है, जिसके चलते बिहार और नेपाल में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिला में एक बार फिर चीनी फौजों की दरअंदाजी की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी सरहद में वाकया बाड़ा हुई का मुआयना करने गई इंतजामी टीम का चीनी फौजियों से सामना हुआ। इस दौरान फौजों ने टीम को वापस लौटने का इशारा भी किया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अहकाम के हाल एहतजाजी लहर की वजह से 2 हफ्तों से मौसलाती रबतों पर आयद पाबंदी की जज्वी तौर पर हटा ली। अहकाम का कहना है कि पहले मरहले में मोबाइल फ़ोन की पोस्ट पेड सर्विस बहाल की गई, ताहम प्रीपेड कनेक्शन और वायरलेस इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार है। गौरतलब है कि कश्मीर में 17 दिनों से कर्फ्यू और नाकाबंदी से पूरी वादी की मकीन 17 रोज से मैसूर हैं और मौसलात के तमाम ज़राए पर पाबंदी की वजह से बाहर की दुनिया से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी कट कर रह गए। डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए पहलवान नरसिंह यादव अब रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, बल्कि उनकी जगह हरियाणा के प्रवीण कुमार राणा भारत की नुमाइंदगी करेंगे। राणा का नाम भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को भेज दिया गया है। राणा वही पहलवान है जिन्हें नरसिंह ने फाइनल ट्रायल में शिकस्त दी थी। क्रिकेट के मैदान पर बहुत ही संगीन नजर आने वाले रांची के प्रिंस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से अलग काफी मस्ती भी करते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बेटी जीवा के साथ अपनी पुरानी फनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इसके अलावा भी उनकी कई ऐसी फोटोज हैं जिसमें वो अपनी सीरियस इमेज से दूर साथ ही क्रिकेटर्स या दोस्तों के साथ एंजॉय करते नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ का नाम काफी दिनों तक सलमान खान से जुड़ा रहा। सलमान के बाद उनके और रणबीर कपूर के साथ रहने की खबर आई। पहले सलमान और फिर रणबीर से कैटरीना का रिश्ता टूट गया। अब कैटरीना बिल्कुल अकेली है, लेकिन हाल ही में उनकी मांग में सिंदूर और आंखों पर काला चश्मा लगाए दिखा गया। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बार बार देखो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की फ्रेश जोड़ी नजर आने वाली है। और कमाल की बात ये है कि फिल्म के इस गाने को फिल्म के ट्रेलर से पहले जारी किया गया। YouTube पे ये खबर कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें बताते रहें।